देखो ये दो दुनिया चलते हैं, एक बाहर का एक अंदर का। ये हर वक्त में प्रकृति पुरुष, बाहर अंदर, मैटर एनर्जी। तो मैटर वर्ल्ड में शरीर कहाँ आया, मैटर में आया या एनर्जी में आया, बताइए शरीर कहाँ आया, मैटर में आया या एनर्जी में आया? डेफिनेटली मैटर में आया। तो अगर मैटर में है तो शरीर, अगर मैटर में है तो शरीर को, मैटर को प्रूफ चाहिए। तो जब हम लिखते हैं तो प्रूफ आता है शरीर को कि ये व्यक्ति जानता है इसको क्या चाहिए। जब हम लिखते हैं, कथार्सिस करते हैं और हम ये सब करते हैं तो शरीर को, ये क्यों शरीर को हम इस्तेमाल करते हैं, ये करना, शरीर को प्रूफ चाहिए कि व्यक्ति ने पैटर्न पकड़ा, पैटर्न को चेंज कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, यू नो। सो समझ लो, लोग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं कीजिए कोई बात नहीं, हजारों लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन नहीं करने से नुकसान क्या और करने से फायदा क्या, ये आप सोचिए और मुझे जवाब दीजिए कि करने से आपका जो बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन होगा बहुत फास्ट होगा, बदलाव बहुत फास्ट होगा। और क्यों फास्ट होगा? क्योंकि शरीर को वो प्रूफ आता है। तो लोग बोलते कंटाल क्या लिखने का है, क्या जॉय शॉप देखना है, क्या वीडियो। अच्छा, वीडियो रोज कितने लोग देखते हैं मुझे बताओ, कितने लोग जो हम रोज आपको DYL में एक वीडियो भेजते हैं, कितने लोग देखते हैं? ये आपको 5% फायदा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अगर होगा तो 5% हो गया। अभी इसको 25% करना है तो क्या करना है, देखने के बाद लिखना है। और लिखना है कहाँ, लिखना है जहाँ YouTube में है उधर कमेंट्स है उधर लिखो, अपने लिया SMS में लिखो, और लिया SMS में लिखो कि मैंने ये सीखा है। सिर्फ मैं सीखा नहीं, आप उसको शेयर करो तो कमेंट्स में डालो। तो ये करने से आपको 25% बेनिफिट होगा। तो कितने लोग लिखते हैं बताओ, देखिए हम तो देखते हैं लेकिन लिखते बहुत कम लोग। फिर वही चीज जो आपने लिखा है आप अपने जॉय शॉप डायरी में लिखिए, यानी कि या विजन बुक में या ग्रेटिट्यूड में, जहां आप उसको रिपीट कर सकते हैं। कोई भी अबंडेंस बुक है जहां आप उसको रिपीट कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है उसको विजन बुक या ग्रेटिट्यूड बुक या अबंडेंस बुक में लिख रहे हैं? जस्ट राइट यस। ये आपको अभी 50% बेनिफिट हुआ, इसके बाद में आप उसको वही चीज को मनन कीजिए तो 75%, और उसको वंस अ वीक रिपीट कर रही है तो 100%। तो ये जो तरीका हमने आपको बताया है, ज्यादा लोगों को कंटाल होता है, दिमाग खराब होता है, गुस्सा आता है, और मेरे ऊपर बहुत गुस्से भी है लेकिन इसी से मान्यता बनती है, इसी से बिलीव बनता है, क्योंकि जितना आप उसके अंदर डीप जाएंगे वही होता है। तो मैं आपको, दो टाइप के मान्यता होता है, ओके? एक जो आपको एलिवेट करती है उसको बोलते हैं प्लसीबो, एक आपको जो नुकसान करती है, आपका इमोशन डाउन करता है उसको बोलते हैं नोसीबो।